आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Hello students let's start the question question here is give the technical term डार्कली एंड ट्रांसक्रिप्शनली पार्ट ऑफ़ क्रोमैटेन तो यहाँ पे जो है हमें पूछा जा रहा है कि हम कौन सी जो है टेक्निकल टर्म देंगे डार्कली स्टेन डार्कली स्टेन मतलब बहुत ही ज्यादा गाढ़ा जो स्टेन होता है उसके लिए और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट के लिए क्रोमैटेन का ओके okay, तो सबसे पहले जो है हम ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन जो है ये हमारी प्रोसेस होती है जिसमें जो इंफॉर्मेशन होता है डीएनए के स्ट्रैंड पे वो कॉपीड होता है इनटू द न्यू मॉलिक्यूल ऑफ द मैसेंजर आरएनए राइट तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी डीएनए के स्ट्रैंड पे वो कॉपी होगी मैसेंजर आर पे बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पार्ट है का का पे पे जो information है है के की ये नहीं होगी mRNA पे. Right? इस चीज ध्यान रखना ओके okay. अब जो है हम यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म इसे देंगे वो है हिट्रोक्रोमैटिन हिट्रोक्रोमैटिन जो है ये पार्ट होता है हमारे क्रोमोजोम का जो कि फिरमले पैक्ड फॉर्म होता है फिर मतलब यहाँ पे जो है बहुत ही टाइट क्वाइलिंग होती है राइट जिसकी वजह से यहाँ पे जो है डार्क स्टेनिंग होती है और ये जो है जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी इनएक्टिव होती है अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख पाएंगे दिस इज हेयर द ऑरेंज रीजन ऑरेंज रीजन जो है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे हिट्रोक्रोम मार्टिन को तो इस रीजन में जो है बहुत ही ज्यादा डार्क स्टेनिंग होगी अब यहाँ पे आप दो और टर्म्स देख पा रहे हैं जो कि है टीलोमेयर राइट टीलो मेयर की अगर हम बात करते हैं तो टीलोमेयर जो हैं ये हमारे कंपाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोजोम के एंड के आप देख पा रहे हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोजोम के एंड्स को ओके आफ्टर दैट सेंट्रोमेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेंट्रोमेयर जो हैं ये हमारे डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो कि यहाँ पे हेल्प करते हैं इन द बाइंडिंग ऑफ द क्रोमाटिन यहाँ पे जो है क्रोमाटिन की बाइंडिंग ये करवा रहे हैं ओके okay, सो so,